व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे एक शर्मा गया दूसरा शर्मा आया। अभिषेक शर्मा भाई साहब, इस लड़के ने रातों रात वक्त जज्बात पलट दिया। पहले मैच में 0 फोड़ के और अगली मैच में 100 करके। तो वही वाली बात है कि फॉर्म वो होती है, क्या होती है, ठीक है ठीक है, सब आप समझ गए ना, कमेंट कर, क्लास परमानेंट होती है। और वो वाली आईपीएल वाली क्लास कल देखने को मिली और टैलेंटेड है नो डाउट बंदा। देखते हैं पूरी वीडियो, 1 2 3 गो। हजरात, परसों की हार के बाद कल कर दिया भारत ने जिम्बाब्वे से हिसाब बराबर। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में रख दिया टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को धोकर। वैसे 7 जुलाई को तो इंडिया धोनी ही थी, क्योंकि कल दिन ही इतना खास था। और आज भी खास दिन है, क्योंकि आज है एक और फॉर्मर कैप्टन दादा सौरभ गांगुली का बर्थडे। दादा को हैप्पी बर्थडे जरूर कहना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल बात करेंगे कल बने शेर अभिषेक शर्मा की, जो बन गए T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए शतक जमाने वाले 10वें बल्लेबाज। अभिषेक से पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, दीपक हुडा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल भारत के लिए T20 क्रिकेट में सेंचुरी लगा चुके हैं। तो कल के मैच में हमारे लिए हीरो तो कई रहे, मगर चर्चा हर तरफ हो रही अभिषेक शर्मा की, जिनका जलवा हमने आईपीएल में भी खूब देखा। जब अपनी कड़क हिटिंग से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहने लगे थे कि T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक को ले जाना चाहिए। पर T20 वर्ल्ड कप की टीम में वो भले ही शामिल नहीं हो पाए, मगर अब जब अभिषेक को मौका मिला है तो उन्होंने कमाल का बम फोड़ दिया। 47 गेंदों में 7 चौके 8 छक्के अभिषेक ने जिम्बाब्वे की उम्मीदों को क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। और तो और, भाई ने रोहित शर्मा की एक गजब रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। क्या है वो रिकॉर्ड, बताएंगे वीडियो में आगे। फिलहाल चालू करते हैं आज की वीडियो। तो बांध लो कुर्सी की पेटी नहीं पेटा, क्योंकि आ गया है मैदान पर एक और शर्मा जी का बेटा। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक। आप सभी को बधाई T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की पहली जीत पर, जिसके नायक रहे युवराज सिंह के चेले। जी हाँ, अभिषेक शर्मा के बारे में सब जानते हैं कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें ट्रेनिंग दी और अपने जैसा पावरफुल सिक्स हिटर बनाया। जिनको नहीं पता कि अभिषेक और युवराज के बीच कनेक्शन कैसा है, वो वीडियो अंत तक देखें। फिलहाल कल मैच में अभिषेक ने कैसे छुड़ाया जिम्बाब्वे के पसीने, पहले वो आपको बताते हैं। तो गुरु, 3 छक्कों के साथ अभिषेक ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला शतक जड़ा और इस पारी को देखकर जिम्बाब्वे टीम की चीखें निकल गई। अभिषेक शर्मा सबसे कम पारियों में T20 इंटरनेशनल शतक जमाने वाले बैटर बन गए, क्योंकि शर्मा जी के लड़के ने अपने करियर की सिर्फ दूसरी ही पारी में सेंचुरी जड़ दी। ऐसा करते हुए अभिषेक ने दीपक हुडा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में तीसरी पारी में शतक जमाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 47 गेंदों में 100 बनाने वाले अभिषेक ने इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हां, एक शर्मा जी ने दूसरे शर्मा जी के इस साल T20 क्रिकेट में लगाए 46 छक्कों के आंकड़ों को पार कर लिया है। साल 2024 में T20 इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट को मिलाकर रोहित के नाम 46 छक्के, जबकि उनके पीछे 45 छक्कों के साथ विराट कोहली, मगर दोनों को ओवरटेक करते हुए अब आगे निकल गए अभिषेक शर्मा, जिनके इस साल अब टोटल 50 छक्के हो गए। कल हरारे में करारे शॉट्स मारकर पूरा इलाका धुआं धुआं कर देने वाले अभिषेक का जन्म 4 सितंबर 2000 को अमृतसर में हुआ था। अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा खुद पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके थे। अपने बेटे को 3 साल की उम्र में ही प्लास्टिक का बैट उन्होंने थमा दिया और तब से अभिषेक का फेवरेट खिलौना क्रिकेट का बैट बन गया और बॉलर्स के साथ उन्होंने खिलवाड़ चालू कर दिया। अभिषेक को कामयाब बल्लेबाज बनाने के पीछे बाप बेटे की मेहनत रंग लाई और इस खूंखार लेफ्ट हैंडेड बैटर का सिलेक्शन पंजाब की अंडर-14 टीम में हो गया। अभिषेक ने अपने पहले ही मैच में महान स्पिनर और लेट श्री बिशन सिंह बेदी जी को इंप्रेस किया, जिसका नतीजा हुआ कि अभिषेक का पंजाब की अंडर-16 टीम में भी उनको चुन लिया गया। और तो और, एज कैप्टन। इसके बाद फिर 16 साल की उम्र में अभिषेक ने पंजाब की रणजी टीम में भी अपनी जगह बनाई और उसी साल वो इंडियन अंडर-19 टीम के कप्तान भी चुने गए। दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की हासिल कर रहे अभिषेक ने अपनी कप्तानी में भारत को इमर्जिंग एशिया कप का खिताब भी जीता और अपनी लीडरशिप स्किल का भी डंका बजवाया। भले ही अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 में अभिषेक की जगह पृथ्वी शॉ को टीम की कप्तानी सौंपी गई, मगर अभिषेक उस अंडर-19 टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा बने रहे और उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर लोग उन्हें युवराज से भी कंपेयर करने लगे। तब राज खुला कि अभिषेक को लंबे समय से युवराज खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभिषेक ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग करने से उनका गेम अलग लेवल पर पहुंच चुका है। अभिषेक कहते हैं कि यूवी पाजी ने उनकी ताकत और क्रिकेट के स्किल्स को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी बल्लेबाजी और निखर आई। कमाल की बात है, हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में पहली सेंचुरी लगाने वाला उन्हीं का चेला है। भारत के लिए 2 मैचों में 100 रन और उससे पहले आईपीएल में इस साल धूम धड़ाके के बाद अब देखा जाए तो अभिषेक इस नए और यंग लॉट के लड़कों में सबसे एग्रेसिव सलामी बल्लेबाज है और टीम इंडिया को सही मायनों में ऐसा ही ओपनर चाहिए जो रोहित शर्मा की जगह भी ले सके और क्या पता आगे चलकर टीम इंडिया की बागडोर भी संभाले। तो कैसी लगी आपको कल खेली अभिषेक की पारी, कमेंट करके उन्हें बधाई जरूर देना। और क्या लगता है आपको, भारतीय T20 में अभिषेक ही ऐसे बैटर हैं जिनका ओपनिंग स्लॉट अब अगले 2 साल के लिए तय माना जा सकता है, या अभी भी भारत को इस पोजीशन के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करके, दीज आर अर्ली डेज टू कमेंट की 2 साल के लिए बुक कर दे हम ना कर दे, लेकिन मैं उसका कोहली का है अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, वो क्या अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, कैप्टन था और उस टाइम पर। सिंपल सी बात कहूंगा कि प्लेयर में बहुत टैलेंट है, आईपीएल में भी कहा गया था, लेकिन हमें यही वाली बात है कि हम कई बार ओवर वो कर देते हैं हर एक प्लेयर को लेके। इंटेंट यही चाहिए,
रोहित शर्मा वाली इंटेंट चाहिए, ओपनर हो T20 में तो आइए मारिए, अपना काम करके जाइए, मीटिंग मत करिए वहां पर कि बोल गया डिफेंस कर रहे हैं, वही चीज इंटेंट और वही कल दिखी बैटिंग में भी, और वो पिछले मैच में भी दिखी जब 0 पे आउट हो गया बंदा वो शॉट लगाने चक्कर में, और कल भी उसने साबित कर दिया कि मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं जो मेरा ओपनिंग स्लॉट है, ओपनर को क्या कहते हैं भाई तुम फ्रंट लाइन पे हो तुम करो भाई साहब अटैक, वही इंटेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि बंदा पहले ही स्लो खेले, भाई T20 फॉर्मेट है 20 ओवर में अगर 5 ओवर तुम स्लो खेल गए बाकी करेंगे क्या, फिर स्लो तुम खेल गए आउट भी हो गए, टीम कहेगी ले भैया स्लो खेलते हैं विकेट भी गिर गया थोड़ा तो अब संभाल लेते हैं, तुम शुरुआत ऐसी दे जाओ कि बीच वाले थोड़ा सा अगर संभल के भी खेले, और वही रोहित शर्मा की खासियत थी और वही मुझे अभिषेक शर्मा में खासियत लग रही है कि वो बंदा चाहे वो 100 होने वाले हो उसके चाहे वो 0 पर हो उसके इंटेंट में वो चीज दिख रही है साफ कि मेरा विजन क्लियर है, और ये कुछ टाइम में आप देखो ना कि यार प्लेयर अपने कितने गजब है T20 फॉर्मेट में, सूर्य कुमार भाई साहब ताबड़तोड़ प्लेयर, अब बात करो अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़, ये इंटेंट चाहिए हमें, और संभालने वाली पारी के लिए मुझे लगता है नंबर 3 पर कंपटीशन रहेगा शुभमन गिल और ऋतुराज में, कौन खेल क्योंकि दोनों एक साथ मुझे लगता है प्लेइंग 11 में बैठ सकते हैं सही, क्योंकि दोनों का गेम थोड़ा एक जैसा ही है, तो अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि जायसवाल भी अगर आ जाता है टीम में तो एज एन ओपनर खेलेगा, लेकिन फिर एक चीज ये आती है अगर जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों को ओपन कराते हैं और आगे जाके अच्छा नहीं करता कोई एक, तो फिर मुझे लगता है शुभमन को फिर ओपनर रख सकते हैं एक हाई इंटेंट प्लेयर के साथ, अभी तो अर्ली डेज है देखते आगे क्या कुछ होता है, बाकी कल का मैच भाई सब गजब था, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय टेक केयर।